Hello everybody, I hope you all are doing well. From this video, we will be starting peripheral nervous system. The counterpart, that is central nervous system, is in other semester. In this semester, we will be just dealing with peripheral nervous system, also known as PNS as a short form. Okay, so let's get started. The whole nervous system can be divided into two main parts. One is the central nervous system and the second one is peripheral nervous system. We will be talking about peripheral more, but central का थोड़ा आइडिया अगर तुमको चाहिए, तो it is concerned with brain and spinal cord. ये दो चीज ही है उसमें और दोनों काफी इंपॉर्टेंट है. Those are the central organs, यानी जो मेन organs है जिससे हमारा नर्वस सिस्टम बेस्ड है. Now, क्या होता है इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम नो इट इज अ प्लेस वेर ऑल द इंफॉर्मेशन गोज एंड इट इज प्रोसेस्ड एंड देन स्टोर्ड. यहां से कोई सिग्नल आया वो यहाँ पे जाएगा, लेट्स से दिस इज ब्रेन. ओके, एंड सम सिग्नल्स गो डायरेक्टली टू स्पाइनल कॉर्ड अगर रिफ्लेक्स आर्क वाला हो, एंड देन दे डायरेक्टली एक्ट और दे मे गो टू द ब्रेन एंड देन दे विल एक्ट. तो जो हमारा अभी मैं येलो में कर रही हूँ ये सेंट्रल हुआ, ये और ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. बट एवरीथिंग एल्स दैट इज इन रेड, दैट इज दिस पार्ट, द रिसीविंग ऑफ सिग्नल, द गिविंग ऑफ एक्टिविटी कि अभी ये करना है, ऑल दैट कम्स अंडर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ओके, सो पेरिफेरल वर्ड मीनिंग क्या होता है पेरिफेरी का, कि पेरिफेरी मीन्स आजू बाजू का, सेंट्रल इज बीच में का जो कोर है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ सिंस आवर मेन टॉपिक इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देन इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि उसमें है क्या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. फर्स्ट इज सिग्नल्स टेकन टू सीएनएस. आई विल बी पुटिंग इट इन ब्लू हियर, दिस वन जो सीएनएस तक लेके जा रहा है सिग्नल्स. सिंस दैट टेकिंग टू सी एन एस, दैट इज वाई इनको हम बोलेंगे एफरेंट ए. ओके, ए कम्स फर्स्ट, एफरेंट. देन द सेकेंड पार्ट इज सिग्नल्स टेकन फ्रॉम सी एन एस, दैट इज दीज वंस, जो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से हमारे दूसरे ऑर्गन्स पे जा रहा है, जो बोलेगा कि अभी तुम ऐसा फंक्शन करो वैसा फंक्शन करो, दैट इज गोइंग टू द टारगेट सेल्स. दीज आर एफरेंट ई, पहले ए आता है फिर ई आता है. अगर तुम देखो तो ए, बी इज द ब्रेन, सी इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डी नहीं है एंड देन देर इज ई. ओके, जो हमारा एफरेंट है ना इट इज स्टिल डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. वन इज सोमैटिक, दैट इज इन्वॉल्व्ड विद वॉलेंट्री मूवमेंट्स, एंड द सेकेंड वन इज ऑटोनॉमिक विच इज रिलेटेड टू इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स. इनवॉलेंट्री यानी जिसपे हमारा कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं रहता है, वो हमको नेचुरली होता है. एंड वॉलेंट्री इज वेन यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू एक्ट एंड यू कैन डू इट. पिकिंग अप अ पेन फ्रॉम द ग्राउंड इज वॉलेंट्री, बट ब्रीदिंग इज इनवॉलेंट्री. हम लोग बोलते नहीं है लंग्स को कि कम ऑन नाउ एक्सपांड, राइट? सो दैट कम्स अंडर इनवॉलेंट्री. सो एफरेंट हैज टू मेन ब्रांचेस और सेक्शन. वन इज विच डील्स विथ ऑटोनॉमिक विथ दैट इज इनवॉलेंट्री, एंड वन विच डील्स विथ वॉलेंट्री दैट इज सोमैटिक. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग. Main parts, if we can divide it, then it is spinal nerve, which are 31 pairs, cranial nerve, which are 12 pairs, and autonomic nervous system. We will be doing each one of them separately and in quite a bit detail. Abhi structure kaisa hai ki there is one sensory and there is one motor. Sensory yani hamara afferent and motor yani hamara efferent, right? सेंसरी में क्या है, सेंसरी एज द वर्ड सजेस्ट इट विल बी गोइंग इट इज गोइंग टू डिटेक्ट सेंसेशंस सच एज पेन एंड हीट. देर आर वेरियस सेंसेशंस दैट इट कैन डिटेक्ट.
and then it transmits message towards CNS to be interpreted either by spinal cord or brain. This much is clear. This was just a revision of what we already have seen. Similarly, motor mein kya hoga? Transmits message away from CNS. सिमिलरली अगर ये एफरेंट है, ये हमारा सी एन एस है और ये एफरेंट है. दिस इज ट्रांसमिटिंग अवे एंड दिस इज ट्रांसमिटिंग टू द सी एन एस, राइट? एंड इट स्टिमुलेट्स इफेक्टर ऑर्गन्स टू परफॉर्म अ फंक्शन और रिफ्लेक्स. यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑन डिफरेंसिएशन बिटवीन सेंसरी एंड मोटार. सो दीज आर द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. Okay, now from this slide onwards, we will be starting with autonomic nervous system. As we've already seen, it's a different subsection altogether in peripheral nervous system. So this can come as a separate question for you. ठीक है, ये अलग से बड़ा question आ सकता है. अभी तक हमको क्या पता है कि autonomic nervous system is involuntary. दूसरा चीज हमको क्या पता चल सकता है कि इट इज ए एन एस. आंसर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ओके, सो विद दिस मच नॉलेज लेट्स प्रोसीड. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट दैट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इन इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस. वन इज सिंपथेटिक, अदर इज पैरासिंपथेटिक. यू मस्ट बी अवेयर लिटिल बिट के ऐसा कुछ तो है, नाम सुना है, क्या है सब भूल गए होगे. सो वी आर गोइंग टू डू दैट इन लिटिल बिट डिटेल. फाइन, लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ सिंपथेटिक. सिंपथेटिक इज थोराको लंबार आउटफ्लो, यानी यहाँ के जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं आउटफ्लो सिग्नल्स, दैट कम्स फ्रॉम द थोरेसिक रीजन and the lumbar region. Yeah, in the diagram they've written thoracic only, it's lumbar. Okay, so thoraco lumbar. वैसे ही अगर हम parasympathetic देखे तो it is coming from the other two extremes, जो हमारा है cervical and sacral. The outflow of signals. Okay, we know that peripheral nervous system में क्या है, spinal cord या brain से बाहर जाने वाली signal to the target organs. Here we are concerned with spinal cord, और spinal cord में भी दो अलग areas है. One is thoracolumbar, which is for sympathetic, and craniosacral, which is for parasympathetic. This is an important point. अगर तुमको differentiation आता है sympathetic और parasympathetic का, again a very common question, तो ये sentence बहुत important है. It should be a first point. All of these, of course, maintain involuntary functions and homeostasis. We are already aware of that. भले sympathetic हो या parasympathetic हो, दोनों ही involuntary में ही involved है. What is the function of sympathetic and parasympathetic? Why do different sections, हम दो different recognition क्यों देते हैं? क्योंकि उनका function is polar opposite. Sympathetic is fight or flight, यानी it is in constant state of danger. हम लोग के पीछे शेर भागा, this is the best example. कि हम लोग के पीछे शेर भागा तो हम क्या करेंगे? वो सारे response comes under sympathetic. Okay, before going to exam, tumhara koi bhi anxiety, fearful situation, fight, fright or flight response bolte hai isko, to sympathetic activate hota hai. Second is parasympathetic. Parasympathetic is rest. I'm drawing a bed, okay? When you are relaxed, when you are meditating, when you are out on a vacation, कुछ problem नहीं है, when you are sleeping, you are resting, तभी हमारा parasympathetic activate होता है. It is a rest response. So first point of differentiation,
was this, that parasympathetic is cervicosacral and sympathetic is thoracolumbar. Second and again most important is this, कि fight, fright और flight response है और ये rest response है. Both of them counteract each other. यानि parasympathetic जो काम करेगा, sympathetic उसका opposite करेगा. और sympathetic जो करेगा, parasympathetic उसका opposite करेगा. But point of similarity is कि both of them are still involuntary. You don't have to tell कि sympathetic come on now, counteract the parasympathetic. They will do it on their own. Now let us talk about structure of sympathetic. Okay, so structure में हमको क्या पता है अभी तक कि it is thoracolumbar, that is TL. So यहाँ पे तुम T1 देख रहे हो, that is indicating thoracic vertebrae and thus thoracic outflow. और यहाँ पे L1 है, ये lumbar indicate कर रहा है lumbar outflow. So far so good. तुम यहाँ पे ये एक चीज दिख रहे हो एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज अ गैंग्लियन. गैंग्लियन यानी क्या होता है, इट इज जस्ट अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ नर्व बॉडीज जो सब आके एक साथ रह गए हैं. दिस वन इज अ गैंग्लियन, सो इज दिस वन एंड सो इज दिस वन, बट राइट नाउ वी आर कंसिडर्ड अबाउट ये वाला और ये वाला, ये दो के लिए. Now if you see कि ये गैंग्लियन है, अगर हम बोल रहे कि ये गैंग्लियन है या गैंग्लिया द प्लूरल, तो ये सब जो है रेड वाले, दे आर कमिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द गैंग्लियंस एंड दे आर हैविंग अ साइनैप्स हियर एंड देन समथिंग इज लीविंग फ्रॉम द गैंग्लियन. दिस मच वी कैन मेक आउट फ्रॉम द डायग्राम, राइट? द ओनली थिंग लेफ्ट नाउ इज कि इनको नाम देना है कि कौन क्या है. एकदम इजी है, ये गैंग्लियन है तो इसके पहले वाला जो भी रहेगा वो क्या होगा, प्री गैंग्लियन. प्रीफिक्स होता है ना, प्रीफिक्स हम पहले ऐड करते हैं, सेंड का प्रीफिक्स, अनसेंड, अन कम्स बिफोर द वर्ड सेंड. सो सिमिलरली प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आर वन विच आर गोइंग टू कम बिफोर द गैंग्लियंस. They are leaving the spinal cord. Then we come to the ganglions. That is a sympathetic ganglion. Both sides of the spinal cord, they are present and they synapse here with the postganglionic neurons. So, ye jo tumko dikh raha hai na, this thing and this thing, they are going to be present on both the sides. Here we can see only one side in the diagram. But they are there on both the sides. The preganglionic fibers come here and they may synapse with the other fibers. The other fibers are postganglionic fibers or neurons. Why post? Kyunki iske baad hai. Anything after is post. Post lunch, post dinner, ye sab word suna rahega na. Where do these go then? They go to the target organs. Wherever they have to act. Now see, this one is going to stomach, this is going to liver and gallbladder and so on and so forth. Target organs yani jisko humko impulse pahunchana hai, these are the target organs. The red one is sympathetic, okay, the only one we are concerned in this slide. This is the basic structure of sympathetic nervous system. Now there are some important ganglions, mainly we will talk about the abdominal ones, which are related to sympathetic. They are situated in the abdominal cavity itself and unka naam hum log ne uske aaju mein jo artery originate ho raha hai usse diya hai. This thing which you can see now in red is our aorta. एब्डोमिनल एओर्टा है, वहां से बहुत सारी आर्टरीज निकलती है, एओर्टा से ही पूरी बॉडी की आर्टरीज आती है, राइट? सो हियर वेयर माय पॉइंटर इज राइट नाउ, आई होप यू कैन सी रेड ऑन रेड, आई विल ड्रॉ इट इन ब्लू इफ यू वांट. हियर यहां से हमारा
सीलियक ट्रंक निकलता है, इट इज एन आर्टरी, दैट मच यू हैव टू अंडरस्टैंड। उसके आजू बाजू जो ये दो गैंग्लियॉन है वो है सीलियक गैंग्लियॉन। दिस आर्टरी इज कमिंग आउट परपेंडिकुलरली, हाँ थोड़ा 3D इमेजिनेशन करो। फिर उसके राइट नीचे यहाँ पे जहाँ भी मेरा ब्लू कलर जा रहा है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर हुआ तो इन्फीरियर भी होएगा, दिस इज इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर। उसके आजू बाजू जो गैंग्लियॉन है, दिस इज सीलियक, देन द नेक्स्ट वन इज सुपीरियर मेसेंट्रिक, एंड द नेक्स्ट वन इज इन्फीरियर मेसेंट्रिक। दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट गैंग्लियॉन्स जिनका नाम तुमको पता होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू सिंपथेटिक। नाउ वी सी अबाउट द पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर। नाउ द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस पॉइंट हियर इज कि हमारा सिंपथेटिक का जो था ना, द गैंग्लियॉन्स वर क्लोजर टू स्पाइनल कॉर्ड, पर पैरासिंपथेटिक का नो, दे आर क्लोजर टू द टारगेट ऑर्गन्स। ये याद रखो। फॉर सिंप्लीफिकेशन आई विल ड्रॉ हियर, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये सिंपथेटिक गैंग्लियॉन है जो रेड में है, और ये हमारे सब टारगेट ऑर्गन्स है, आई विल ड्रॉ इन ब्लू, दीज आर ऑल द टारगेट ऑर्गन्स। हाँ, जो पैरासिंपथेटिक का गैंग्लियन है, दैट आई एम ड्रॉइंग योर इन येलो योर, सो यू अंडरस्टैंड, आई विल रिपीट इट अगेन, द गैंग्लियन ऑफ सिंपथेटिक आर क्लोजर टू द स्पाइनल कॉर्ड, वेयर इज गैंग्लियन ऑफ पैरासिंपथेटिक आर क्लोजर टू द टारगेट ऑर्गन, दैट इज फार्दर अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। बाकी दो सेम ही रहेगा, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कॉमन सेंस से क्या पता चलेगा कि यहाँ के प्री गैंग्लियोनिक लंबे होएंगे और पोस्ट गैंग्लियोनिक छोटे होएंगे इन कंपैरिजन टू सिंपैथेटिक, ऑफ कोर्स इन कंपैरिजन, दैट इज व्हाट दे हैव रिटन हियर, दिस इज यूजुअली लॉन्ग इन कंपैरिजन टू इट्स काउंटर पार्ट इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड हैज इट्स सेल बॉडी इधर इन ब्रेन और इन स्पाइनल कॉर्ड। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। और आउटफ्लो कहाँ से है? सर्वाइकल और सेक्रल, दैट वी नो। द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर यूजुअली वेरी शॉर्ट, हैव देयर सेल बॉडी इधर इन गैंग्लियन और मोर ऑफन इन द वॉल ऑफ द ऑर्गन सप्लाइड, अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो इफ यू अंडरस्टूड सिंपथेटिक का स्ट्रक्चर, दिस डायग्राम से तुमको पैरासिंपथेटिक के तीन चार पॉइंट लिखने में देयर इज गोइंग टू बी नॉट मच डिफिकल्टी। नाउ वी कम टू द इजिएस्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू मी, इज फंक्शंस ऑफ सिंपथेटिक एज वेल एज पैरासिंपथेटिक। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद सिंपथेटिक। सिंपथेटिक का हमको क्या पता है कि फाइट फ्लाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स है, तुम्हारे पीछे शेर आएगा तो तुम क्या करोगे रिस्पॉन्स है, तो उसको हम माइंड में रख के आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे। सिंपथेटिक स्टिमुलेशन प्रिपेयर्स द बॉडी टू डील विद एक्साइटिंग एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन। Example, strengthening its defense in times of danger and in extreme of environmental temperature. This is also important, like when you fall from a height into, an ocean which is very cold, तो तभी भी तुम्हारा sympathetic act करेगा, और when you are in a desert, तो तुम्हें वाटर सेव करना है, बिकॉज फॉर योर बॉडी इट इज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कि अभी पानी नहीं है, क्या करेंगे, इधर कुछ है नहीं, तो तुम्हारा बॉडी क्या करता है कि सिंपैथेटिक को बोलता है यू टेक ओवर, यू कंट्रोल, यू मैनेज, राइट। क्या क्या उसको स्टिम्युलेट कर सकता है, ये तो दो चीज हुआ कि डेंजर, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल टेम्परेचर्स, फिर इवन देर आर रेंज ऑफ इमोशनल स्टेट्स सच एज फियर, दैट इज द फ्राइट विच वी बीन टॉकिंग अबाउट, एम्बेरसमेंट, एंगर, दे ऑल ऑल्सो स्टिम्युलेट सिंपथेटिक स्टिम्युलेशन। नाउ एम्बेरसमेंट, या कभी क्लास के सामने कुछ एम्बेरसमेंट हो गया तो तुम्हारा बॉडी किस में जाता है, ओ शिट डेंजर, राइट।
even in anger, you go into like a danger zone. All of that are sort of a stimulant for sympathetic. Sympathetic stimulation causes the adrenal glands to secrete the hormone adrenaline and noradrenaline into the bloodstream. This is an important point. Okay, you have to remember this. कि सिंपैथेटिक जाएगा, एड्रेनालिन को बोलेगा, एड्रेनालिन आर ग्लैंड्स ऑन टॉप ऑफ किडनीज, ये हमारा किडनी है, ये किडनी का हैट है, ठीक है, और फिर एड्रेनालिन, एड्रेनल ग्लैंड्स एड्रेनालिन निकालेगा, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, फिर ब्लड स्ट्रीम से वो सब ऑर्गन्स तक जाएगा. Okay, this is one action of sympathetic, but one of the most important action. Now let us see the function of parasympathetic. Parasympathetic now is involved in slowing down everything. Because parasympathetic कभी आता है कि हमारा जब body rest में है, हम लोग काम है, हमको तुरंत कुछ emergency नहीं है. तो पहली दो चीजें which it will slow down is the heart and the lungs. Okay, listen, you can little bit slow down. It's a completely band to nahi hota hai, but it slows down. It doesn't have to be, you know, when you are running kaisa hota hai, ekdam ventilation jaisa ho jata hai. That doesn't happen. You are breathing normally in control of parasympathetic. At the same time, tumhara digestion or absorption rapid ho jata hai. It's okay if you still don't understand this. We will be doing system-wise effects of both. But just remember ki ye do slow hota hai and digestion is in fact one of the thing jo fast hota hai. Normally, these two systems function together. यानी सिंपैथेटिक ऐसा नहीं कि सिंपैथेटिक आज चलेगा पैरासिंपैथेटिक कल चलेगा, नहीं, दोनों साथ में रहते हैं. मेंटेनिंग अ रेगुलर हार्ट बीट, यानी सिंपैथेटिक बोलेगा कि चलो चलो फास्ट करके 110 तक जाना है, पर पैरासिंपैथेटिक बोलेगा नहीं रे, हमको 80 90 भी बस है. सो सिंपैथेटिक इज पुशिंग इट टू गो टुवर्ड्स 110 एंड पैरासिंपैथेटिक इज पुशिंग इट टुवर्ड्स 80 एंड देन समवेयर इट कम्स अराउंड 9500. ओके, द नॉर्मल हार्ट बीट इज 6200 बाय द वे. सो दैट इज हाउ इट फंक्शंस टुगेदर. बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी एट द सेम टाइम. वन इज समटाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द अदर. ओके, so first thing is regular heartbeat, then there is normal temperature, जो भी हमने homeostasis के points पढ़े थे, all those can be involved here, physiological needs and immediate external surroundings. They will assess everything कि अभी हमको किसका जरूरत है. अगर मेरे को ज्यादा हार्ट बीट का जरूरत है, मेरी बॉडी को ज्यादा ब्लड का जरूरत है, then sympathetic will overpower parasympathetic. That is how they function. Both are there together, but both counteract each other. Now let us see functions of ANS. Okay, interesting, very interesting. This column is for sympathetic and this column is for parasympathetic. ये तुमको differentiation में पूछा ना, तो ये तुम भर भर के लिख सकते हो. Just remember what is the core understanding and need of each. Let's see sympathetic. Okay, first organ which we are going to see is cardiac, matlab heart. Heart ka action fright, flight or fight mein kaisa hona chahiye? It has to be more, right? Therefore, jo coronary arteries hai, this is the normal coronary artery, usko dilate karega. डायलेट करेगा मतलब ज्यादा ब्लड हार्ट तक पहुंच पाएगा, देयरफॉर कार्डियक मसल तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाएगा, देयरफॉर कार्डियक मसल कैन एक्ट बेटर एंड पंप बेटर एंड मोर ऑक्सीजन कैन रीच द होल बॉडी. वैसा ही अगर हम पैरासिंपैथेटिक में देखें तो वो हार्ट रेट को कम करेगा एंड फोर्स ऑफ हार्ट बीट को कम करेगा. जो कोरोनरी आर्टरी वहां पे डायलेट हुआ था, यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट करेगा. नाउ ऑलवेज रिमेम्बर, दिस कंस्ट्रिक्शन इज नॉट टू द पॉइंट कि हार्ट का मसल मर जाए.
it is only closer to the normal. That is when it is not in an extreme situation. तो पैरासिंपथेटिक में क्या हुआ? कंस्ट्रिक्शन हुआ कोरोनरी आर्टरीज का, प्लस हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ हार्ट बीट कम हो गया. सिंपथेटिक में हार्ट रेट ऑफ फोर्स बढ़ेगा. दिस मच इज क्लियर. सेकेंड थिंग इज, अगर मेरे पीछे शेर आता है देन आई हैव टू, और तुम्हारे पीछे अगर आता है देन यू हैव टू रन और यू हैव टू यूज योर ब्रेन. लेट अस से दैट यू रन. अगर तुम भाग रहे हो तो तुम्हारे स्केलेटल मसल्स को ज्यादा एनर्जी लगेगा. देयरफॉर जैसे कोरोनरी आर्टरीज डायलेट हुआ था वैसे स्केलेटल मसल की आर्टरीज डायलेट होंगे, है ना. दिस इज द सेकेंड पार्ट वेयर सिंपथेटिक इज एक्टिंग ऑन द वेसल्स. नाउ थर्ड प्लेस वेयर इट ऑल्सो एक्ट, पर यहाँ पे दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि वो डायलेशन के बदले कंस्ट्रिक्शन करता है. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आर बॉडीज नो आर वेरी स्मार्ट. हमारे बॉडी को पता है कि हार्ट को चाहिए ब्लड, स्केलेटल मसल को चाहिए ब्लड जब पीछे शेर आ रहा है, पर स्किन को चाहिए क्या? डू यू हैव टू लुक वेरी ब्यूटिफुल इन फ्रंट ऑफ द लायन? डू यू नीड टू हैव दैट पिंकिश ग्लो, पिंकिश ब्लश? नो, नॉट रियली. और स्किन को कम ब्लड दिया तो एक बार चल जाएगा. तो स्किन के पास जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड जा रहा था वो हम सब कम करके हार्ट और मसल्स के तरफ डायरेक्ट करते हैं. दिस इज हाउ स्मार्ट योर बॉडी इज. सो व्हाट इट डज इज कंस्ट्रिक्ट्स द स्मॉल आर्टरीज ऑफ द स्किन, डायरेक्ट द ब्लड टुवर्ड्स द अदर टू एरियाज और एनीवेयर एल्स इन द बॉडी वेयर इट इज मोर रिक्वायर्ड. सिमिलरली अगर मेरे पीछे शेर भागा, हाँ, और मैं जंगल में एप्पल वेप्पल कुछ खा रही हूँ, तो मेरा बॉडी क्या करेगा? नहीं, मैं पहले एप्पल डाइजेस्ट करता हूँ, फिर चलेगा, फिर देखते हैं कैसा होता है, देख लेंगे शेर का. नॉट रियली. सो इट विल नॉट पुट इन और वेस्ट एनर्जी इन डाइजेस्टिव सिस्टम. वो बोलेगा डाइजेशन बाद में करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू सर्वाइव देन यू कैन ईट. नो, फर्स्ट यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड देन यू कैन ईट. So it will again constrict the blood vessels of digestive system. This is all sympathetic, but parasympathetic exerts little or no effect on blood vessels except coronary artery. यानी कोरोनरी में हमने देखा ना कि कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, उसके सिवाय दूसरी जगह पे वो बीच में नहीं आता है, राइट. Another thing which sympathetic does is it dilates the airway. Now when we breathe, ये हमारा trachea है, फिर bronchus, फिर अलग अलग bronchus, SSS जाके terminal bronchiole and there is alveoli, right? तो जो airway है they have a power to constrict and dilate. It is not very expandable पर होता है. तो ज्यादा अगर डायलेट हुआ यानी इन दिस सिचुएशन देन मोर एयर कैन कम इन. मोर एयर, मोर ऑक्सीजन, मोर एनर्जी, सिंपल लॉजिक. तो तुम्हारा बॉडी इन सिंपथेटिक रिस्पॉन्स विल डेफिनेटली वॉन्ट मोर एयर, मोर ऑक्सीजन एंड मोर एनर्जी. देयरफॉर देयर इज डायलेशन ऑफ एयरवेज और ब्रोंको डायलेशन especially of the bronchioles, allowing greater amount of air to enter the lung at each inspiration and thus increasing the inspiratory rate. As opposed to that, parasympathetic में हमने क्या देखा था कि respiratory rate कम हो जाता है. Whenever a person is sleeping, तो भी heart rate slow होता है, respiratory rate slow होता है, तो वो कैसे करते हैं? Broncho constriction हो जाता है. One of the thing that happens is broncho constriction. So less air can come in, that is this situation we are talking about. Less air comes in, इतना respiration rate नहीं होता है, क्योंकि in fact जरूरत नहीं है respiratory rate high रख के. Body is in a rest mode, तो हम लोग excessive क्यों respiration करें, right? When you are at rest, you are not hyperventilating, but after a run you are. That you have to keep in mind. After a run is sympathetic or having to run, and parasympathetic is rest. This much is clear. We are going to see
a lot of such differences between sympathetic and parasympathetic in the next slide. Now let us see आगे का, that is digestive system का. जैसे मैंने बोला कि वो एप्पल हम लोग को खाने का, फिर एब्जॉर्ब वो सब करने का इतना टाइम नहीं है. तो इन द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन यू नो के लॉट ऑफ एंजाइम्स आर ऑल्सो रिलीज इन सिंपैथेटिक. डेफिनेटली द बॉडी विल से कि अभी एंजाइम रिलीज करने का कुछ टाइम नहीं है, वी डोंट हैव दैट एनर्जी. एंड प्लस ऑलवेज रिमेंबर कि ऑल दीज एंजाइम्स एंड जूसेस, जो पैनक्रियाटिक जूस है या इंटेस्टिनल जूसेस है, दे हैव अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑल दैट वी नीड टू सेव राइट नाउ, राइट? सो वो सब कम हो जाएगा. सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस आर इनहिबिटेड, डिलेइंग डाइजेशन. ऑनवर्ड मूवमेंट भी नहीं होगा, मतलब जो चीज स्टमक में है उसको हम ड्यूओडेनम में नहीं भेजेंगे, अभी बोलेंगे तू रुक थोड़ी देर इधर ही. ओके, द एब्जॉर्प्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होना चाहिए वो भी हम थोड़ा विथहोल्ड करेंगे. एंड टोन ऑफ द स्फिंक्टर मसल इज इंक्रीज, दैट इज जो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में है, रेक्टम में है, एंड नाउ इट हैज टू बी पास्ड आउट, नॉट फूड रियली, योर फीसेस. सो एट दैट टाइम it is not the right time, no? So the body understands that right now he is in a stressful situation. We will put in more stress कि अभी उसको defecation करना रहेगा और पीछे lion भाग रहा है, then it is impossible job. So the sphincter muscle यानी जो हमारा रोक, there are like internal sphincter and external sphincter, that is like a you know like a closed ring जैसा रहता है जिसके थ्रू पास नहीं हो सकते अनलेस इट रिलैक्सेस. सो इन सिंपैथेटिक इट डजंट रिलैक्स, इट इनफैक्ट अंडरगोस कॉन्ट्रैक्शन. सिमिलरली अगर पैरासिंपैथेटिक में देखिए तो सब सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि अभी काम किया है तो सब डाइजेस्ट ही कर लेते हैं ना. देन देर इज रिलैक्सेशन ऑफ एनल स्फिंक्टर, जो यहाँ पे नहीं हो रहा था वो यहाँ पे होगा. Relaxation of anal sphincter accompanied by contraction of muscle of the rectum and thus defecation occurs. Similarly, urine ka bhi hoga. Yahan pe sympathetic mein it will not take place. There will be inhibition of micturition. Par parasympathetic mein there will be relaxation of sphincter. Remember, we are talking about sphincter. So, ये जो हमारा रिंग लेग था यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड है इन सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक में रिलैक्स्ड है. सो द कंटेंट्स कैन पास थ्रू. फाइन, नाउ देयर इज दिस वन पॉइंट जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, द ब्लैडर वॉल रिलैक्सेस. व्हाट डज दिस मीन? जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, लेट्स अज्यूम दिस इज द ब्लैडर. Okay, now this is filled with urine, this much. Body or kidneys are constantly producing urine. अगर ये fill up हो गया पूरा bladder, तो उसको in fact urination करना पड़ेगा because it will produce stress and stretch on the bladder wall. तो इन sympathetic हमको make sure करना है कि अभी urination नहीं होना चाहिए because we don't have time to wait. Right? So what it does is it relaxes the bladder wall. Yani bladder ka capacity to hold on urine increases. So the same urine volume which was adding stress or stretch factors in this situation, that is scenario one, now it doesn't do the same. I hope you understand this. ब्लैडर का जो होल्डिंग कैपेसिटी है ना टू में, वो हमने बढ़ा दिया, राइट? सो दैट इज व्हाट ब्लैडर वॉल रिलैक्सेस. डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ रिलैक्सेशन वर्ड सुन के कि रिलैक्सेशन तो पैरासिंपथेटिक में है, राइट? अनदर पॉइंट इज आई वाला, जो ये है डायलेट्स प्यूपिल एंड कंस्ट्रिक्ट्स प्यूपिल. प्यूपिल का फंक्शन क्या है? बेसिकली प्यूपिल इज लाइक एन ओपनिंग जिसके थ्रू लाइट अंदर जा रहा है ना. अभी तुम लोग अगर स्ट्रेस सिचुएशन में हो तो यू वुड वांट ऑल ऑफ योर सेंसेस इंटैक्ट,
तुमको चाहिए कि तुमको अच्छे से दिखे, तो तुमको समझेगा कि किधर भाग सकते हैं किधर नहीं भाग सकते हैं। और तुम रेस्ट कर रहे हो तो तुमको इतना कुछ जरूरत नहीं है। व्हेन यू आर मेडिटेटिंग ऑल्सो यू नीड, योर आईज आर क्लोज, यू डोंट रियली नीड दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्टेड टुवर्ड्स विजन। बट इन स्ट्रेस, येस डेफिनेटली। सो द प्यूपिल्स आर डायलेटेड, देयरफॉर मोर लाइट कैन एंटर and your body can receive impulses, you can visualize properly, whereas in parasympathetic it is constricted, so less light can enter and you really don't need that much extra information. What students usually do is ke constriction idhar hai aur dilation idhar hai, direct briefly yaad rakhte hai, par tum log waisa yaad rakhoge to you will 100% get confused. What you need to do is understand कि sympathetic में ऐसा क्यों हो रहा है और parasympathetic में ऐसा क्यों हो रहा है। Once you understand though, then remembering is very easy. And one more point I forgot, the first one in sympathetic, it is that the liver का हम लोग ने अभी तक जो भी देखा कि digestive system में कम हो रहा था, except this one point. That is, liver increases conversion of glycogen to glucose. This is also simple logic. अगर तुम ऐसा सोचोगे कि GIT का तो सब कम ही करता है, then you might get confused with this. You have to remember कि liver में glycogen store होता है, right? ग्लाइकोजन हमको काम नहीं आता है, पर बॉडी को ग्लूकोज काम आता है, और ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग, राइट? तुम्हारा एब्जॉर्प्शन तो कुछ हो ही नहीं रहा है, पर तुमको एनर्जी तो लगेगा ना, दैट कम्स आउट फ्रॉम योर लिवर. वट एवर इज स्टोर्ड ग्लाइकोजन इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, एंड दस दैट विल हेल्प अस to maintain the energy levels that are required. This much is clear. Even if you write this much, it is excellent, good enough. Okay, so this is all you need to know about the autonomic nervous system. You can get it as a big answer. Revision mein, autonomic mein do hai. Ek, there is sympathetic, there is parasympathetic. First you write about their structures and then function. Function, try to write it system wise. I'm not going to repeat it. Sympathetic, fight, flight, fright, parasympathetic is at rest. Even if you forget, then use your common sense to fill up the functions. Okay?